पाकिस्तान ने ठान लिया है कि वो बातचीत से नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान ने फिर दिखा दिया है कि वो बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। भारत ने जब जब अपने इस पड़ोसी देश को बातचीत के लिए बुलाया है, भारत को सिर्फ धोखा मिला है। दिल्ली में हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत में पाकिस्तान ने फिर छेड़ा है कश्मीर राग। पठानकोट हमले के गुनहगारों की गिरफ्तारी तो दूर, वो फिर समझौता एक्सप्रेस धमाके की जांच का बहाना बनाने लगा है। इस आतंक परस्त देश को अपने गुनाह दिखाई नहीं देते। इस आतंक परस्त देश को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपनी ही फौज का अत्याचार नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान भूल जाता है बलूचिस्तान में वो क्या कर रहा है। पाकिस्तान भूल जाता है कि बलूचिस्तान में कैसे नरसंहार किया जा रहा है। इसीलिए क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान पर घेरा जाए? क्या अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान पर भारत अपनी रणनीति बदले? पाकिस्तान को अब बलूचिस्तान के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जाना जरूरी हो गया है। कश्मीर की आड़ में ये देश बलूचिस्तान के अपने पाप छिपाना चाहता है। अब भारत को पाकिस्तान की ये कोशिश नाकामयाब करनी होगी। देखिए, कश्मीर नहीं बलूचिस्तान पर करो बात। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात करेंगे पाकिस्तान के कश्मीर राग की। पूरी दुनिया देख रही है भारत और पाकिस्तान की तरफ, और अपने देश में आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भारत के सामने आते ही कश्मीर कश्मीर चिल्लाना शुरू कर देता है। और आज भी बातचीत के दौरान उसने यही किया। विदेश सचिव स्तर की बातचीत में पाकिस्तान ने पहले कश्मीर का मुद्दा उठाया और उसके बाद भारत पर ही उसके अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप डाला। सवाल ये कि क्या भारत अब भी पाकिस्तान को ऐसे ही बर्दाश्त करेगा या फिर बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान को भारत अब घेरना शुरू करेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की नीयत में ही बेईमानी है, ये बात एक बार फिर साबित कर दी पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने। भारत के साथ बातचीत करते हुए एजाज चौधरी ने असली मुद्दों को भटकाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान को पता है कि आतंकवाद की बात शुरू होते ही उसे बैकफुट पर आना पड़ेगा, इसलिए वो इन मुद्दों से भागता हुआ नजर आया। भारत के आक्रामक रुख को भांपते हुए पाकिस्तान ने झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत बलूचिस्तान में रॉ के जरिए गड़बड़ी कर रहा है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में गिरफ्तार कुलभूषण जाधव की आड़ में भारत को घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान ने समझौता धमाके के आरोपियों पर नरमी दिखाए जाने का आरोप भी लगाया। पाकिस्तान इतने झूठ बोलकर ही नहीं रुका, उसने कराची में भी भारतीय एजेंसियों के सक्रिय होने की बात कही। झूठ की बौछार करने के बाद पाकिस्तान ने भारत को चिढ़ाने के लिए कश्मीर मुद्दा भी उठा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर दोनों देशों के बीच अहम मुद्दा रहेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर का फैसला संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और कश्मीर के लोगों के जरिए करने की बात कही। कुल मिलाकर जिस दगाबाजी के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम है, वही दगाबाजी उसने इस बैठक में भी दिखाई। सबसे पहले जो उसके देश से आतंकवाद होता है, जो आतंकवाद को सपोर्ट देते हैं, जो उसके देश में सेंचुरीज हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो तमाम, फिर हमको कश्मीर के तमाम हिस्सों की बातचीत करनी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो हमारे कश्मीर का हिस्सा उसने इलीगली चाइना को दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी अफगानिस्तान के विकास के लिए हो रही हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। इसी मौके पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इस बैठक में ये आतंक परस्त देश संबंध सुधारने की बजाय हमेशा की तरह संबंध खराब करता हुआ नजर आया, भारत पर झूठे आरोप लगाता हुआ नजर आया। पाकिस्तान के इन झूठों का भारत ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। भारत ने कहा, पूर्व नौसैनिक कुलभूषण जाधव अपहरण के बाद पाकिस्तान ले जाया गया है, आखिर भारतीय खुफिया एजेंसी अपने एजेंट को पासपोर्ट के साथ क्यों भेजे? भारत के राजनयिकों को कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान या पाक के दूसरे इलाकों में भारतीय एजेंसियां सक्रिय नहीं। इतना ही नहीं, भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को घेरा। मुंबई हमले का जिक्र करते हुए भारत ने मुंबई हमले के केस की सुनवाई और तेज किए जाने की मांग की। इसके अलावा पाकिस्तान पर पठानकोट हमले की जांच को आगे बढ़ाने का भी दबाव डाला। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा।
आतंकी गतिविधियों से पाकिस्तान पल्ला नहीं झाड़ सकता। अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान को लगाम लगानी होगी। भारत पर हमला कर रहे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान को रोकना ही होगा। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि उसकी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो दिखाई भी दे। अब कार्रवाई का बहाना करने से काम नहीं चलेगा। भारत के विदेश सचिव ने इस बात पर बल दिया कि पठानकोट आतंकी हमले तथा मुंबई केस की जांच में शीघ्र और ठोस प्रगति होनी चाहिए। उन्होंने जैश ए मोहम्मद के संचालक मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी के द्वारा सूचीबद्ध करने की भी बात की। भारत ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि लगातार पैंतरेबाजी से काम नहीं चलने वाला। अगर संबंध सुधारने हैं तो उसे गंभीरता दिखानी होगी। आपको बता दें कि जब दिसंबर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए सुषमा स्वराज इस्लामाबाद गई थी तो दोनों देशों ने समग्र बातचीत शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन अगले ही महीने पाकिस्तान ने पठानकोट हमला करके बातचीत की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। पठानकोट हमले के बाद खुद पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हालत इतनी कमजोर हो चुकी है, ये समझना मुश्किल है कि बात सैन्य सरकार के प्रतिनिधियों से हो रही है या फिर चुनी हुई सरकार के अफसरों से। NIA की जो टीम जानी थी पठानकोट हमलों की इंक्वायरी के लिए, उसका क्या होगा, उसका अभी तक कुछ नहीं पता चला। मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का सरगना है, जो कि पाकिस्तान में भी एक प्रतिबंधित संगठन है, वो आज खुलेआम घूम रहा है, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? पाकिस्तान के रुख से साफ है कि उसे असलियत दिखाए जाने की जरूरत है। वो आतंकी संगठनों का साथ देना बंद नहीं करेगा, न वो कश्मीर का राग अलापना बंद करेगा। इसलिए भारत को पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस दबानी होगी। ये कमजोर नस है बलूचिस्तान, वही बलूचिस्तान जिसमें दखल से आज भारत ने इनकार किया है, वही बलूचिस्तान जहां से पाकिस्तान ने भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव को रॉक एजेंट बताकर गिरफ्तार किया है। बलूचिस्तान दशकों से भारत से मदद मांग रहा है। सवाल ये कि क्या अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान को लेकर भारत गंभीरता से सोचे, क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान को ऐसे ही मौके देता रहेगा तो पाकिस्तान हर मोर्चे पर उसे तंग ही करेगा। पाकिस्तानी विदेश सचिव के साथ मुलाकात में भारत ने पठानकोट हमले और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ ठोस जमीनी कार्रवाई की मांग पुरजोर तरीके से उठाई, तो साथ ही पाकिस्तान को नसीहत दी कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर पर्दा डालना बंद करे। वहीं पाकिस्तान ने जहां दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर मुद्दे को सारे फसाद की जड़ बताया, तो साथ ही कथित रॉ एजेंट कुलभूषण जाधव के मामले पर उलाहने देने का मौका भी निकाल लिया। यानी तस्वीर साफ है, दोनों विदेश सचिवों की ये मुलाकात मेरी शिकायत बनाम तेरी शिकायत में उलझी ज्यादा नजर आई। यानी दोनों देशों के बीच बातचीत की कवायद फिलहाल एक रस्म से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आ रही। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसने कभी खुद को पाकिस्तान माना ही नहीं। 1947 में बंटवारे से पहले भी बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलन चला करता था। यह आंदोलन आज तक चल रहा है और अब और तेजी पकड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना के अत्याचार झेल रही बलूचिस्तान की जनता बरसों से मांग कर रही है कि भारत खुलकर उसका साथ दे, पाकिस्तान के खिलाफ भारत बलूचिस्तान की मदद करे। लेकिन अभी तक भारत ने कूटनीतिक तौर पर बलूचिस्तान के पक्ष में बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान की लगातार धोखाधड़ी के बीच क्या अब भारत बलूचिस्तान पर अपनी नीति बदल सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में ही प्रदर्शन, पाकिस्तान से अलग होने के लिए, आजादी पाने के लिए प्रदर्शन। ये बलूचिस्तान के लोग हैं जो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहते हैं। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ की पोल बलूचिस्तान के ही लोग खोल रहे हैं। पाकिस्तान बना ही झूठ की बुनियाद पे, वो हमेशा झूठ और फ्रॉड और साजिशों से ही अपने आप को चलाता है। तो ये के दिखाने की कोशिश है कि बलोच जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, जो बलोच तहरीक आज़ादी है, वो शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी और के कहने पे ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, 150 साल से हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं। तब रॉ थी ही नहीं, तब पाकिस्तान नहीं था, तब भी बलोच अपनी जद्दोजहद आज़ादी जारी रखते थे। हम अपने बलबूते पे लड़ते हैं, हम अपने बलबूते पे अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। हम हज़ारों साल से बलूचिस्तान की सरजमीन पे ज़िंदा हैं और हम ज़िंदा रहेंगे। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए यहाँ के लोग अपनी जान की परवाह किए बिना आंदोलन चला रहे हैं।
उतनी ही ताकत से पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूच लोगों को कुचलती रही है। बावजूद इसके बलूचिस्तान के लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी है, लेकिन अब वो खुलकर बोलने लगे हैं कि बिना भारत की मदद के वो आजाद नहीं हो पाएंगे। उन्होंने भारत से बलूच आंदोलन का समर्थन करने की मांग की है। इंडिया के आवाम को और इंडिया की गवर्नमेंट को, अफगानिस्तान की आवाम को, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बलोचों के साथ खुल के खड़ा होना पड़ेगा। ये आपके अपने आवाम के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना आप इस कैंसर को, जो ये दुनिया की, ये ग्लोब के ऊपर एक कैंसर है, एक सरतान है, इसको जितना आप छोड़ेंगे उतना ये फैलता जाएगा। जितनी देर से आप इसकी ट्रीटमेंट तो होगी, लेकिन जितनी देर से होगी उसके साइड इफेक्ट्स उतने ज्यादा होंगे। आजादी के लिए बलूचिस्तान में अब तक 5 बड़े आंदोलन हो चुके हैं और इसका खौफनाक नतीजा है बलूचिस्तान में 20,000 आंदोलनकारियों की रहस्यमयी मौत। बलूच लोगों का आरोप है कि सेना उनकी आवाज को कुचल रही है और पाकिस्तानी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके आंदोलन के बारे में खबरें दिखा सके। IBN 7 ने आपको कुछ दिनों पहले एक और बलूच आंदोलनकारी करीमा बलूच से मिलवाया था। बलूचिस्तान को इस तरह भुला दिए जाने पर यहाँ का नौजवान बहुत तकलीफ में है। वो तो बोलने नहीं देते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो आपको तो इल्म होगा कि कितने सहाफी, जो मकाम बलूच सहाफी थे उनको उठाया गया, फिर उनके उसके बाद उनकी लाशें फेंक दी गई, वहाँ पे अखबार बैन है। बलूच लोगों की मांग के बीच भारत अगर उनके नैतिक समर्थन के लिए भी तैयार होता है तो ये रणनीति में बड़ा परिवर्तन होगा। जानकारों का भी कहना है कि अगर भारत चाहे तो बलूचिस्तान आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। आप खुद सुनिए कैसे एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को धमकी देते वक्त कहा था कि अब अगर एक बार फिर मुंबई जैसा हमला हुआ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग कर दिया जाएगा। We will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. Karima Baluch ho, Naila Kadri ho, ya phir Baluchistan ke lakho naujwan, har din har pal Pakistani sena ka atyachar jhel rahe hain. वो अब इंसानियत के नाम पर भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने विकास की हर डोर से इस इलाके को काट रखा है। लोगों के दिन की शुरुआत दहशत के साथ होती है। यहाँ के कई नेता विदेश में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं और वहीं रहकर पाकिस्तान से आजादी की मांग उठा रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद है तो सिर्फ एक देश से, और वो है भारत। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खबरों में खास में वक्त है एक ब्रेक का। भारत में तो हम पाकिस्तान की जमकर आलोचना कर ही रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी पाकिस्तान की पोल खोल रहा है? आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। खबरों में खास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बलूचिस्तान को भूलकर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है। दरअसल पाकिस्तान की नीति हमेशा से भारत की पीठ में छुरा भोंकने की रही है। अब एक अमेरिकी अखबार ने ताजा खुलासा यह किया है कि पाकिस्तान आतंकवादी मसूद अजहर पर कार्रवाई तो दूर, उसके लिए 10 एकड़ जमीन पर एक नया हेडक्वार्टर बनवा रहा है। मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान में हर तरह की छूट हासिल है। देखिए ये रिपोर्ट। मसूद अजहर पठानकोट हमले का गुनहगार, जैश ए मोहम्मद का मुखिया,
भारत के दबाव में पाकिस्तान ने यह बयान दिया था कि मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पहले उसे हिरासत में लिए जाने की खबर आई, फिर उसे नजरबंद किए जाने की। बाद में पाकिस्तान ने पठानकोट हमले में एक दिखावटी केस भी दर्ज कर लिया। अब अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि मसूद अजहर को कभी हिरासत में नहीं लिया गया और न ही नजरबंद किया गया। जैश के गढ़ बहावलपुर में भी मसूद के आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैश के हेडक्वार्टर के पास अब 10 एकड़ जमीन पर एक और बड़ी इमारत बनाई जा रही है। अखबार का दावा है कि पाकिस्तान में कार्रवाई उसी के खिलाफ होती है जो पुलिस या फिर सेना पर हमला करता है। भारत में आतंकी हमले करने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई के बारे में सोचा तक नहीं जाता। यही है पाकिस्तान की हकीकत। मसूद अजहर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? पहले खबर आई थी कि आपने जैश मोहम्मद के कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया है। और यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो नागरिक सरकार और जो सैनिक शासन है उसके बीच में एक टकराव की स्थिति चल रही है। मसूद अजहर को खुली छूट देने वाले पाकिस्तान ने मुंबई हमले के गुनहगारों हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान आतंक के नाकाओं के पाले हुए आतंकियों पर भी मेहरबान है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हीरा भाई चौधरी ने बयान दिया है, हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में लश्कर युवाओं की भर्ती कर रहा है ताकि भारत पर हमले कराए जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं। इन कैंपों में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जाहिर है ट्रेनिंग के बाद इन ठिकानों से आतंकियों को भारत में दाखिल कराने की कोशिश लगातार चलती रहती है। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए करीब 2 दर्जन लॉन्च पैड भी बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में पाकिस्तान, बलूचिस्तान और मौलाना मसूद अजहर पे आज मेरे साथ इतना ही। IBN 7 पर इस ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।